टुडे लीज दीदी लीज बरो कुसारे और दरा माइकटा ठीक आछे धन्यवाद हम भाई तिनी और चन प्रेस मीट रिंगमानी तिनी आईन पीटी जुदा जुदा बदलनी गबांगमा दंग्रो तिप्रा मथाओ जॉइंट लाइनाई बिनी बिसिंगो पुइलानो चन छाओ आनि याग्रा गाला चुकजा कुसाराई रियांग बो आईन पीटी सीडब्ल्यूसी नि मेंबर आईवाईएफटी सेंट्रल कमिटी आईन पीटी नि जुब संगठन नि वाइस प्रेसिडेंट तारपर तम बिमल रियांग आईन पीटी नो डिविशनल लीडर अम्बासानी खुदिराम रियांग धीरेन्द्र रियांग सबिता रियांग गबांग माहिकलाई तिनी बर 29 जन लीडर और आईन पीटी आकार तिप्रा मथाओ जोगदान खाई तबुक आई थिंक ही शुड स्पीक कुसाराई रियांग शुड स्पीक कुसाराई रियांग बस है खनारे बोतांग है ना ना सादे जम तिने और हाइमाने उद्देश्य ना जम हाइना ही एडिशन निर्वाचन ने ते जम वन शोका विभिन्न दल विदल खाईखा जम आईएनपीटी खाईखा विभिन्न राजनीति दल खाईका दुर्बल लाई टाइम खाई फाइका चल तबक चंग नहार माने चीनी अम्बासा सात डिविशन ने जरा चीनी कौन में करता तो मेरा वन शोक लाई माने बिसिंग तो यह जो मुहारास ने लगाई था कहीं जो लामा परिश्कार कुबो इलामा मान नहीं जो वो फाने लगाई था कहीं जो क्लियर कहीं जो सामों खाई मान नहीं दो फाने बगैर वन शोक मान नहीं अब न चुंग विश्वास खाइए मुहारास न चुंग विश्वास खाइए चुंग आईन पीटी ने आंग कैसा नेतृत्व तो मान बिसिंग फोन आ महाराज ने जेता बिन वन शॉक मारनो नाये तम नाय जों भविष्यत थांना नि लामा जों दो फानो नारुगना नंखाय थांसा खै जों टंगलायना नंखाय महाराज नि नेतृत्व न जों सामु खायलाय मांखाय बेले बेस उनाय ग्रेटर तिप्रा लेन न जिनि सबसे बेस दिमान उनाय ने आ वन शॉक ताय जों दल बिदल खै जों आइन पिति खलाय पुर ग जों एडिसि अडिट खमाता तम तम जों दाबिना दै खलायलाय का जों आबा कोनो मते सम्भव मुंलिया जों जिनी जनमता मतलब से कम थानाई तबंग जिन एडिसी फाइना एडिसी निर्वाचन बिंग तो जो महाराज ने अंगे जे महाराज जो बारजा भी मानी जो आबन गसैन जो आबन साम सकसेस खाई चेस्टा खाई आं जिन अम्बासा सात डिविशन आं कैसा आईएन पी टी सी डब्ल्यू सी मेम्बर त्रिपुरा आई ओ एफ टी सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट आन बुमक कुसाराई रियांग তাই আন লগেও ফাইও লিডার এম সি সি খুদিরাম রিয়াং ফাইও তাই অঞ্চল সেক্রেটারি বিমল জয় রিয়াং ফাইও তাই আই ও এফ আই ডাব্লিউ তিনি মেম্বার খরকটাম ফাইও সবিতা রিয়াং এখানে শাস্তি রং রিয়াং তাই চিন্তাবতী রিয়াং ব্রব তিনি আরও অংশগ্রহণ ফাইও এখানে তাই বুঝুন অরণি বিশিং তেন
आपने सुनी मीडिया ने बीसिंग तीन आम्बा साहब तई बा तई साल दूँ इंखा और महाराज ने फैनानी जो तो सम्भव या जो आरो स्टेप स्टेप खे दीप्रा मठाओ जो सामू खाई बगे अलरेडी सामू चल दूँ हम भाई जो ना যতন ফুম কাহাম ফার্স্ট অফ অল আই ওয়েলকাম দ এন্ট্রি অফ সিনিয়র লিডার্স টু ত্রিপুরা মথা মানে ইনকা স্বাগত করতা হুম সেকেন্ড চিজ হ্যাঁ কি আনে বালে দিন মে হামল দূসরে পার্টি সে ভি বাত কর রে সবসে বাত কর রে কি আনে বালে দিন মে ভি মানে হোপফুল হুম কি एक या दो पार्टी जो बहुत सीनियर पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो एंड वी कैन वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन विद जो पार्टीज़ अलायंस के अंदर नहीं भी आए वो मोस्ट लाइकली हमारे संग अलायंस में आकर आने वाले एडीसी इलेक्शन में एक संग फाइट करेंगे। आज हमारा ये इन्होंने त्रिपुरा मथा ज्वाइन किया है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि थनचा टूटा है। हमें रीजनल पार्टीज़ को एक पार्टी से दूसरे पार्टी करने के लिए बहुत सेंट्रल पार्टीज़ ये ट्राई कर रहे हैं। आज अगर हमने अपने सीनियर लीडर्स को जगह दिया है त्रिपुरा मथा में, इसके लिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पैटर्न रहे त्रिपुरा सा का, कोई नेशनल पार्टीज़ में कोई भी लीडरशिप अब नेशनल पार्टीज़ में नहीं जाए और अपने रीजनल आंचलिक पार्टीज़ में ही रहे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। 5 तारीख को दीवान बाज़ार में विश्रामगंज में त्रिपुरा मथा एक रैली कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग है। हमने वहाँ में हमारे अलायंस पार्टनर IPFT को निमंत्रण किया है। वहाँ में हम होपफुल हैं कि और एक पार्टी हमें ज्वाइन करेगा। मैं मीडिया के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ कि 1:30 दीवान बाज़ार विश्रामगंज 5 तारीख ऑफ मार्च हमारा एक रैली होगा। उस रैली में मैं होपफुल हूँ कि सब लोग आएंगे। IPFT को मैंने ऑफिशियली आज मैं उनको निमंत्रण देने वाला हूँ। उसमें NC दे वर्मा, मेवार जमातिया, उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं, MLAs हैं, सबको मैंने निमंत्रण किया है। और हम लोग भी ये प्रोग्राम जैसे खुमलुंग में हुआ था वैसे ही हम लोग जॉइंटली करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं IPFT के लीडरशिप से बात करूंगा और हम शॉर्टली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग एक फंक्शनिंग करेंगे जहां में कोई हमारा इंटरेस्ट ओवरलैप ना हो और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मूथली हमारे अलायंस को आगे ले जाएगा। IPFT भी अपने नॉमिनीज देंगे, हम भी अपने नॉमिनीज देंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अच्छे तरीके से अलायंस को चलाएगा। एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सर, खुमलुंग के जो पब्लिक गैदरिंग होता है आपने ऐलान किया था, वहाँ पर जो गेटर के प्रलयन के बारे में आप देख रहे हो, सरकार से बात नहीं करेंगे हम तो टॉक विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आप लोग कब जा रहे हैं और कब इस नहीं, अगर वो लोग निमंत्रण देंगे तभी जा सकते हैं ना। मैंने कहा कि अगरतला में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगरतला में बात करने से सिर्फ बात होता है आप इतना सीट लो, आप इतना सीट लो, कुछ चीज़ होता है जो आइडियोलॉजी में चला जाता है। मैंने बोला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर को हमारे बारे सोचना चाहिए और वो हमें एक सोल्यूशन दे। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े दिन में आदुक से मिलकर मैं दिखाऊंगा। मैंने तो आज ट्वीट भी कर दिया मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट क्या है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा बात ठीक तरीके से सुने तो ये पॉसिबल है। हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल तो है ही, लेकिन इसको कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिजर्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगरतला में जो भी बात होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे पहले और इसको एक वन टाइम सोल्यूशन करें।
हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। ये कॉन्स्टेंट जो हमेशा होता रहा है कि इलेक्शन में एक दूसरे के संग लड़ो तो उसके बाद बात करो, ये सब से नहीं होगा। हमको त्रिपुरा पूरा, वी वांट त्रिपुरा टू बी पीसफुल, और इट कैन ओनली बी पीसफुल इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू लिसन टू इट्स पीपल। वी आर ऑल्सो इंडियंस, वी ऑल्सो हैव अ व्यू, और हमारा व्यू आप सुनिए। अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तभी भी सुनिए। आप तो दूसरे लोग से भी बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो हम तो हिंदुस्तान के लोग वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हैं। आप हमारा बात सुनिए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। विजय रांगखोल से कल ही मेरा मीटिंग हुआ, अभी एक घंटे पहले बात हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि विजय रांगखोल हमारे संग आएगा। पाताल कन्या का आज मीटिंग है कुंभलोंग में, मैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी बात करूँगा। और मैंने पाताल कन्या के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और मैं क्योंकि हम दोनों ही NRC में हमने केस फाइल किया है, दोनों ही CA को अपोज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पाताल कन्या का एक आइडियोलॉजी है कि वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आना चाहती, उसका वोट बॉयकॉट का एक सिद्धांत है, मैं समझता हूँ। लेकिन पाताल कन्या को मैंने अपील भी किया है, पर्सनली भी अपील किया, आपके थ्रू भी मैं अपील कर सकता हूँ। उन्होंने ही कहा था कि वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के देखना चाहती है, आज वो तो हुआ नहीं है। लेकिन आज क्योंकि ADC में 80% तो हमारे इंडिजिनस लोग ही हैं, तो उसके खातिर अगर वोट बॉयकॉट ना करके हमारे थानशाह को सपोर्ट करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়নি, উনি আপনার IPFC সঙ্গে কথা বলেন, আমি IPFC নিজের আমার জোট একদম ঠিক আছে, আমার জোট একদম ঠিক। কালকেই দেখা হয়েছে, আজকা এক ঘন্টা পরে মেয়রের সঙ্গে দেখা হবে, আমার জোট তো একদম পারফেক্টলি ফাইন। অনেক অনেকজন চায় কি আমার জোট সাকসেসফুল হোক না, এই আমাদের থানচা হয়নি 70 সাল দিয়া, এই লিগে তো আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। হাম সিফ ইউনিটি চাহতে, উই ওয়ান্ট পজিটিভ মেসেজ টু গো টু দ্য পিপল। পজিটিভ মেসেজ হে কি হাম লোক সব এক হে, হাম লোক আপনা পার্সোনাল সিটস পজিশনস কে বারে নেই পরবাহ কর রে, হাম লোক এক হোকার ইয়ে ইলেকশন লড়েঙ্গে, ইয়ে ভয়েস এক আওয়াজ সে দিল্লি যায়গা और दिल्ली हमको समझेगा। हमेशा वायलेंस लिख करके बंदूक उठाकर दिल्ली आवाज़ पहुंचना ज़रूरी नहीं है ना, डेमोक्रेटिकली वे भी ये सबसे अच्छा है। और अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग ने एक मैसेज भेजा दिल्ली को, तो दिल्ली भी सुनेगा हाँ क्यों क्या बात हो रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कंप्यूटर कितने लोग ने ज्वाइन किया और कहाँ से, इन्होंने अभी बोल दिया था, हाँ गोरख में बोला था 29 জন লিডার জয়েন করেছে আজকে, তার মধ্যে নেতৃত্বে আছেন কুশারাই রিয়াং, উনি INPT-র CWC-র মেম্বার ফ্রম ঢালাই, এবং উনি IYFT INPT-র যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি বিজয় রাংখল মহোদয়ের সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন, এবং আম্বাসার ডিভিশনারি লিডার্স আজকে জয়েন করেছেন, মহিলা নেত্রীরা জয়েন করেছেন, এবং যারা ভিলেজ কমিটিতে পরিচালনায় আছেন কয়েকজন ওদের মধ্যে আজকে জয়েন করেছেন, 29 জন টোটাল আজকে জয়েন করেছেন লিডার্স, ইয়ে সাপোর্টার্স নেই, সাপোর্টার্স আর লিডার্স, রিজিওনাল সেক্রেটারিজ, ডিভিশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট। মহারাজ আপনাকে যে আইডিওলজি থাকছে মানে ইউনিটি আইডি থেকে কিতনা সাবলনা দেখে আমারা যে আইডিওলজি হে, ये बहुत लोगों ने बोला कि पुला जाति उलो पार्टी मतलब क्या था, मैंने कहा कि एक हो पार्टी के बारे बाद में सोचो, वो भी थानचा था, और उसी को कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर मैंने आज कहा है कि हमको पार्टी के बारे इतना नहीं, एक यूनिटी के बारे सोचना चाहिए, उसी का मतलब है पुला जाति उलो पार्टी। आज मैं बोल सकता हूँ कि 90-95% सक्सेसफुल हुआ है। जिस दिन INPT विजय बाबू और पाताल कन्या अभी ऑफिशियली नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं, विजय बाबू आ जाए तो पॉलिटिकली तो 100% हो जाएगा, लेकिन अभी तक 95 हुआ है, और वो 5% को भी मैं कोशिश करूँगा।
और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बहुत लीडर्स है, टिपरा मोथा में है, IPFT में है, छोटे छोटे पार्टीज़ में हैं, जो उनको लग रहा है कि अगर अलायंस हुआ तो मेरा सीट कहाँ जाएगा, मेरा सीट वहाँ जाएगा, इसको क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमको विनिंग टीम में अगर हमको थर्ड अंपायर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, या विनिंग टीम में मुझे सब्स्टिट्यूट फील्डर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, लूजिंग टीम का मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो हमको अपने बारे, अपना पर्सनल सीट, मेरा पर्सनल पोस्ट, इसके बारे ना सोचकर एक बार अपना तिपरासा के बारे सोचिए। अगर हम लोग जीते, हमने सफा क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट किया, तो हमारे लोग ही हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन अगर हम निजी स्वार्थ के लिए हमने एक गलत काम किया और अपने बारे ही सोचे और अपने दोफा के बारे, अपने सोसाइटी के बारे नहीं सोचे, तो एक गलत मैसेज जाएगा और हमारे लोगों का विश्वास हमारे लीडरशिप के ऊपर से चला जाएगा। इसी के लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, पहला बार आप अपना पोजीशन के बारे ना सोचकर देखिए कि पब्लिक को क्या चाहिए। और पब्लिक को आज टिपरा नहीं, IPFT नहीं, INPT नहीं, TPF नहीं, उनको आज थानचा चाहिए। लीडर्स को एक दो पोस्ट इधर उधर होगा, लेकिन पब्लिक को थानचा चाहिए, और मैं वही प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, अपना बारे नहीं सोच। भीषमगंज में कितने तादाद में लोग आने की उम्मीद कर रहे हैं? मैं होपफुल हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से लोग आएंगे, इट विल बी अ वेरी बिग रैली। और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि एक ही मंच में सब लीडर्स, जो खुमुलुंग में भी थे और जो खुमुलुंग में नहीं आए, जिनको मैंने अपील किया है, वो भी रहेंगे और अच्छा तरीके से एक प्रोग्राम होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को थोड़ा वो है रिगार्डिंग ग्रेटर तिपरा लैंड, अगर ट्विटर में है तो आज आप देख लीजिए, मैंने एक ट्वीट किया है, वो पूरा एक्सप्लेन करता है ग्रेटर तिपरा लैंड किया है। ओके, हाँ।